दोस्तों आज का वीडियो है बहुत ही खास क्योंकि आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी बिजनेस के बारे में। तो आज मैं बात करूंगा दोस्तों हाउ टू स्टार्ट अ रेंटल फोटो स्टूडियो एंड मेक मनी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के ज़माने में दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि फोटोग्राफर एक एंटरप्रेन्योर की तरह होता है, जहां उसको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए। उसे यह सोचना चाहिए कि किस तरह से वो अपनी इनकम को मल्टीपल सोर्सेज से गेन कर सके या कमा सके। तो यहां पर दोस्तों बात आ जाती है फिर एक रेंटल इनकम की, जो कि आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो गया है किसी भी फोटोग्राफर के लिए। तो अगर आप इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं भी अपनी इनकम फोटोग्राफी के अलावा, जिस दिन मैं शूट नहीं कर रहा हूँ या मेरे पास जब वक्त खाली हो या मेरे पास कुछ ऐसी सुविधाएं हो जिसको मैं दूसरों को देके कुछ पैसे कमा सकूं, तो वहाँ बात आती है दोस्तों एक रेंटल फोटोग्राफी स्टूडियो की। अब ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी ये काम करता हूँ अपने फोटोग्राफी के अलावा या अपने यूट्यूब चैनल के अलावा। तो मैंने सोचा आज इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको अपना केस बताना चाहूँगा और फिर आप अपने हिसाब से उस तरह का आप स्टूडियो बनाइए, उस तरह की चीज़ें आप ऐड करिए, एंड आई एम श्योर कि आपको एक बहुत अच्छी खासी इनकम जो है वो इस काम से आने लगेगी। अब देखिए, जब मैंने अपना स्टूडियो डाला तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि भाई मैं अपने काम के लिए पहले स्टूडियो बना रहा था कि मैं जिस तरह की फैशन फोटोग्राफी करता हूँ, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, ई कॉमर्स का काम करता हूँ, वहाँ मैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जो है मैं अपने स्टूडियो में काम कर सकूँ। इसलिए मैंने अपने पूरे स्टूडियो को जो है बिल्ड किया। बट थोड़े टाइम के बाद मुझे ये बात समझ में आने लगी कि यार ठीक है, मैं महीने के अंदर 10 दिन 15 दिन 20 दिन शूट करूँगा, लेकिन बाकी के 10 दिन 12 दिन जो रह गए हैं उन दिनों क्या होगा, यानी कि उन दिनों मेरी कोई इनकम ही नहीं आ रही है। तो फिर मैंने एक थोड़ा सा जो है दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना मैं एक अपना एक रेंटल भी स्टार्ट करूँ, यानी कि अपने स्टूडियो को रेंट पे देना, क्योंकि जिस दिन मैं शूट नहीं कर रहा हूँ उस दिन दूसरे फोटोग्राफर्स जो है वहाँ पर आके अपना काम कर सके, या अगर मेरी कोई शूट आगे पीछे हो सकती है और किसी दूसरे फोटोग्राफर का कोई डेट अर्जेंट है तो उस दिन वो मेरा स्टूडियो लेके वहाँ काम कर सके, इसके बदले में मुझे वो कुछ पैसे दे ताकि मेरी भी जो एक इनकम जनरेट हो। तो ये आइडिया मैंने जब शुरू में लगाया तो थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे दोस्तों मेरी रेंटल इनकम जो है वो काफ़ी अच्छे से आने लगी। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जब स्टूडियो डिज़ाइन किया तो मैंने सोचा था कि कम से कम स्टूडियो के अंदर 2 फ्लोर होनी चाहिए। अब मुंबई के अंदर दोस्तों जगह बहुत महंगी मिलती है, आप सब जानते हैं, तो यहां पर स्टूडियो का रेंट इतना ज्यादा होता है कि बड़ी जगह आप अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पास जो करीब 1200 स्क्वायर फीट की जगह है यहां पे, जहां मैंने अपने स्टूडियो को बिल्ड किया, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने ये बिल्ड किया एक पूरा साइक्लोरामा वॉल जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पे, देखिए ये एक बड़ी सी साइक्लोरामा वॉल है। अब बड़ी मतलब कोई बहुत बड़ी नहीं है, हो सकता है आपको कैमरे में बड़ी दिखाई दे रही हो, बट इसका जो डायमेंशन है 12x15 का है, यानी कि 12 फीट जो है इसकी ये हाइट है और 15 फीट जो है इसकी डेप्थ और 15 फीट इसकी विड्थ है। अब ये मैंने क्यों बनाई, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे टीवी कमर्शियल्स हैं, इस पर आराम से हो जाते हैं। ई कॉमर्स के अंदर जो है आपको वाइट बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर आप आसानी से शूट कर सकते हैं। और चूंकि ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा कर्व है यहाँ से कॉर्नर से, तो अगर मैं जैसे इस पर खड़ा हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी जगह पे खड़ा हुआ हूँ। तो काफ़ी सारे लोग जो म्यूज़िक वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी सारे लोग जो इंटरव्यूज रिकॉर्ड करते हैं, उनको इस तरह के सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बना बनाया सेट मैंने जो है एक उनको दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि वो अपने शूट को आराम से कर सके और मुझे जो भी मेरा रेंटल होता है वो मुझे दे। और यहाँ पर अगर कोई अलग से इसको बिल्ड करेगा तो बहुत ही खर्चा आता है, फिर उसे डिसमेंटल करना, आर्ट डायरेक्टर को हायर करना, बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा खर्चे जो है जुड़ जाते हैं। लेकिन चूंकि मैंने एक परमानेंट एक पूरा साइक वॉल बना दी है तो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस का काम इस पर चल जाता है। तो धीरे धीरे मैंने देखा लोग यहाँ पर आने लगे अपने म्यूज़िक एल्बम्स, अपने इंटरव्यूज़, अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट के वीडियोज़ या अपने उनकी फोटोग्राफी जो है वो सब यहाँ पर करने लगे। तो ये एक आइडिया था जो कि थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ। तो मेरा भी ये मानना है दोस्तों, अगर आपके पास में इस तरह की कोई जगह है तो ज़रूरी नहीं कि आपको इतना सब खर्चा करके वॉल बनानी है, जैसा कि आप बहुत आसानी से एक छोटा सा शूटिंग फ्लोर भी बना सकते हैं। देखिए मैं आपको इस साइड लेके चलता हूँ मेरे स्टूडियो में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा सेकेंड जो है पूरा एक फ्लोर है। यहाँ पर मैंने 9x36 का, 9 फीट मतलब ये 9 फीट पूरी चौड़ाई है और 36 जो है आप इसको 36 फीट तक पूरा खोल सकते हैं। तो इस तरह का आप एक छोटा सा स्टूडियो, जो भी आपके पास 500 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, जिस भी शहर में आप रहते हो, जितनी भी जगह अवेलेबल है वहाँ आप आसानी से इसे डाल सकते हैं। और यहाँ पर भी आप आसानी से सारे फोटोग्राफी के काम, चाहे वो ई कॉमर्स हो, फैशन फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो, अगर आपको कुछ मैटरनिटी से रिलेटेड जो पोर्ट्रेट्स होते हैं आजकल वो शूट करने हैं, कपल्स को शूट करना है, कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट शूट करने हैं, तो आसानी से इस तरह के बैकग्राउंड पे हो जाते हैं।
तो ये कुछ मैंने दो शूटिंग फ्लोर बनाई है, आप अपने हिसाब से जो भी जगह आपके पास अवेलेबल है वहाँ पर आप इस तरह का स्टूडियो बहुत आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ चीज़ें रखी, जब मैंने रेंटल पे देना चालू किया तो वहाँ पर क्या होता है, जब कोई दूसरे प्रोडक्शन के लोग आते हैं यानी कि दूसरे फोटोग्राफर्स या दूसरे वीडियोग्राफर्स फिल्म मेकर्स जब शूट करने आते हैं तो उनके संग जो है उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मेकअप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉर्नर में मैंने एक मेकअप का जगह बनाया हुआ है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, आसानी से जो है यहाँ मेकअप दो तीन मॉडल्स का आराम से हो जाता है एट अ टाइम। तो मेकअप हेयर स्टाइलिस्ट को एक कॉर्नर पूरा मिल जाता है जिससे कि वो आराम से तैयार हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वर्क स्टेशन टेबल बनाया है जिसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरे व्हील्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आप अपना लैपटॉप या आपके जो भी मॉनिटर है आप रख सकते हैं और आप अपना पूरा शूट जो है वो आसानी से ब्राउज कर पाते हैं कि भाई शूटिंग चल कैसे रही है पूरी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। नीचे एक मैंने सेक्शन दिया, यहाँ पे पानी का बॉटल या कुछ असेंशियल्स गेयर्स हैं, जैसे अभी टेदर केबल्स पड़े हुए हैं, अलग अलग केबल्स होते हैं, हार्ड डिस्क है या अलग अलग तरह के जो भी छोटे मोटे डिवाइसेज हैं वो एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर यहाँ आराम से रख सकता है। और यहाँ पर एक कॉर्नर में मैंने बना दिया छोटा सा, देख लिया पेंट्री टाइप पूरा, यहाँ एक ओवन रख दिया ताकि खाने पीने की चीज़ें हैं, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें जो है सुविधाएँ उनको मिले। तो जब आप किसी को आप अच्छी खासी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आप एक पूरा प्रॉपर स्टूडियो आप किसी को रेंट पे दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी अच्छी खासी एक रेंटल इनकम शुरू हो जाती है। अब मुंबई जैसे शहर में मैं आपको एक आइडिया देता हूँ करीब, अब यहाँ मुंबई के अंदर आप देखेंगे तो 12-15 हज़ार रुपये आपको 8 घंटे के मिल जाते हैं और कई बार उससे ज़्यादा, यानी कि अगर वीडियो का शूट है तो 22 हज़ार से लेकर आपको 40-50 हज़ार तक रोज़ का इनकम हो जाती है। अब आपके शहर में किस तरह का बिजनेस है वो आपको उसी हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा, स्टूडियो वहाँ पर क्या रेट्स चल रहे हैं, किस तरह के लोग काम करते हैं, उनका वर्क फ्लो कैसा है, कितने इंपॉर्टेंट शूट वो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत सारी मैटर करती है। बट मेरा हमेशा से मानना है दोस्तों कि अब इंडिया में भी जो है हमारा एक बहुत बड़ी कंट्री है, फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है इंडिया के अंदर और फोटोग्राफी अब हर शहर में हो रही है, तो क्यों ना आप भी एज अ फोटोग्राफर एज अ एंटरप्रेन्योर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं और भाई प्लान करें कि मैं भी अपना एक स्टूडियो ऐसे क्रिएट करता हूं ताकि मेरी भी जो इनकम एक ना केवल फोटोग्राफी से है बल्कि प्रोडक्शन से भी मेरी इनकम धीरे धीरे जनरेट हो। और यहां देख रहे हैं छोटा सा मैंने एक चेंजिंग रूम भी बनाया है, जो भी मेरे पास जगह थी उसको मैंने ठीक से यूटिलाइज करने की कोशिश की है। यहाँ मॉडल्स अपना जाके चेंजिंग रूम में कपड़े वपड़े चेंज कर सकते हैं, एक छोटा अंदर मिरर दिया हुआ है, एक वहाँ पे कॉर्नर में आप देख पा रहे हैं बाथरूम है, उस साइड के अंदर आप देखिए वहाँ एक बाथरूम है, तो भाई दिन में स्पेशली फीमेल मॉडल्स हैं तो उनको एक बाथरूम की ज़रूरत लगती है और कोई भी इंसान हो एक बाथरूम तो आपको चाहिए होता है, तो एक बाथरूम आप ज़रूर रखें अपने स्टूडियो के अंदर। और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा हमारा एक यहाँ मैंने एक अपना जो ऑफिस बनाया है, तो अगर मान लीजिए मैं उस दिन मेरे पास कोई ज़्यादा काम नहीं है तो जो फोटोग्राफर्स जिनके पास में अपने स्टूडियो नहीं है वो भी मैं उनको कई बार अपना स्टूडियो दे अपना ऑफिस दे देता हूँ कि भाई यहाँ पर आके वो अपनी मीटिंग्स करें, अपने क्लाइंट्स को मिलें, तो एक उनको एक पूरा एक फ्रीडम मिलती है, उनको लगता है कि यार एक हम ऐसी जगह पे शूट करने जा रहे हैं जहाँ पे हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स विदाउट एनी हेजिटेशन, वो लोग आते हैं हमारे स्टूडियो के अंदर अपना काम करते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि कैसे किस तरह से हम अपने फोटोग्राफी बिजनेस को और फैलाएं और एक्सपेंड करें जिससे हमारे जो है अच्छे खासे हम जो रेवेन्यू है पूरे साल भर में हम अच्छा जनरेट कर सकें। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको स्टूडियो डालते वक्त ध्यान रखनी चाहिए और स्पेशली आप अगर रेंटल स्टूडियो बना रहे हैं यानी कि आपको रेंट पे देने के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक फिल्म मेकर की, एक वीडियोग्राफर की, एक फोटोग्राफर की नीड्स क्या होती हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कॉर्नर में हमने एक आयरन टेबल भी रखा है, तो कई बार जो है कपड़े आपके गुजल गए हैं तो वहाँ आप आयरन टेबल पे आप अब यहाँ पर आयरन कर सकते हैं। उसके अलावा कॉर्नर में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से यहाँ हमने अलग अलग कलर के जो है बैक रोल्स भी रखे हुए हैं, तो आपको जो भी तरह के बैक रोल्स चाहिए, सीमलेस पेपर बैकग्राउंड चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो फोटोग्राफी गियर्स हैं वो अच्छे ब्रांड्स के हैं, चाहे वो प्रोफोटो हो या गोडॉक्स हो, हम दोनों ही ब्रांड्स रखते हैं अपने स्टूडियो के अंदर। तो जिसके जिस हिसाब से जिसको जैसा चाहिए उस हिसाब से उसको, अगर प्रोफोटो की लाइट्स चाहिए तो उसके थोड़े से रेट्स ज़्यादा होते हैं वो हम रेट दे देते हैं, अगर गोडॉक्स चाहिए तो उसके रेट्स थोड़े से कम होते हैं तो वो हम उस हिसाब से उनको दे देते हैं, जिसके जैसा बजट है उस हिसाब से उनको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर बहुत आसानी से जो है फोटोशूट होता रहता है। उसके अलावा काफ़ी सारे लाइट शेपिंग टूल्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि 2-3 ब्यूटी डिश हैं, उसके अलावा ऑक्टा बॉक्सेस हैं, उसके अलावा जो है आप देख पाएंगे पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर्स हैं, उसके अलावा आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये छोटा सा एक ऑक्टा सॉफ्ट बॉक्स है,
और उसके अलावा दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम अलग अलग तरह के यानी कि बैकग्राउंड्स के ऊपर सीमलेस पेपर बैकग्राउंड्स को भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो आपकी फोटोग्राफी जो है वो आपको पूरे स्टूडियो के अंदर सारी सुविधा मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं, जैसे कि एक फ्रिज है, एक म्यूज़िक सिस्टम हमने रखा हुआ है ताकि थोड़ा माहौल जो है वो थोड़ा सा अच्छा रहे और काम करने में फोटोग्राफर्स को जो है बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो आप भी इस तरह का जो है एक स्टूडियो पूरा अपना एक बिल्ड करिए, जो भी आपका बजट है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपको इस तरह का पूरा स्टूडियो डालना है। अब यहाँ पर देखिए हमने ऊपर एक जगह बनाई हुई है अपने एडिटिंग के लिए या प्रोडक्शन से रिलेटेड। कई बार जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ऊपर भी चले जाते हैं, कई बार वो स्टोरेज के काम आता है, कई बार फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग के ऊपर बैठने का काम आता है। तो इस तरह से हमने पूरे स्टूडियो को बिल्ड किया। एयर कंडीशनिंग आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे पूरी अच्छे से लगाई है, कुछ 5 AC लगाए हमने 2-2 टन के, ताकि स्टूडियो के अंदर जो है पूरा एक पूरा चिल्ड उनको एक स्टूडियो मिले। स्पेशली क्योंकि मुंबई का वेदर के हिसाब से हमने पूरा उसको उसके बारे में सोचा था कि जब आप अंदर काम करें स्टूडियो में तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब आप एक रेंटल इनकम बनाते हैं तो काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, वो प्रॉब्लम्स भी आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि तरह तरह के लोग आते हैं। अब जब आप कोई आपको किराया दे रहा है तो वो भाई अपनी जगह को यूज़ करता है किसी भी तरह से, तो कई बार थोड़े थोड़े ऐसे लोग भी होते हैं जो कई बार आपके जो है वॉश बेसिन को ब्लॉक कर जाते हैं, खाने का सामान डाल दिया, ऐसे लोग भी आते हैं। तो आपको एक लड़का हमेशा रखना पड़ेगा इस बात के लिए कि भाई वो देख रहे हैं कि सारी शूटिंग वूटिंग जो है ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, पानी का सप्लाई ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टॉयलेट बराबर से क्लीन है कि नहीं क्लीन है। तो अभी जैसे आज स्टूडियो तो थोड़ा सा गंदा पड़ा है हमारा स्टूडियो फिलहाल, क्योंकि दिन भर यहाँ शूट चला है तो थोड़ी गंदगी है यहाँ पर। बट ये चीज़ें आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी है कि भाई आपका जो स्टूडियो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रन करने के लिए, उनको आपको एड्रेस करना है। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको भी आपको एड्रेस करना है। एट द सेम टाइम जो भी आपको एक रेंटल दे रहा है उसके उसके उसको आप क्या बेस्ट टू बेस्ट दे सकते हैं, उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि सर इसमें इनकम कितनी हो जाती है, कितना आप पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए इनकम डिपेंड करती है कि कितना दिन आपका स्टूडियो जो है वो रेंट पे जाता है और कितने टाइम के लिए लोग उसको हायर करते हैं आपके स्टूडियो को। तो हमारे यहाँ पर जैसे कि हम 4 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए बॉम्बे के अंदर जनरली एक शिफ्ट होती है 8 आवर्स की, जिसे हम कहते हैं 1 शिफ्ट। तो 1 शिफ्ट के हिसाब से होता है, अगर एक शिफ्ट क्रॉस कर गई तो फिर उसका पर आवर के हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। और सैटरडे संडे को अगर शूट है तो वहाँ पर कुछ 25% 20% हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है जनरली। तो अगर कोई आ रहा है तो फिर हमें भी किसी लड़के का अरेंजमेंट करना पड़ता है, अगर मैं खुद भी आ रहा हूँ तो वो एक हमारा एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है, तो उस दिन हम थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं। सो इट डिपेंड्स आप किस शहर में रहते हैं, किस तरह का वहाँ बिजनेस है, तो आपको उसी हिसाब से अपने स्टूडियो को डिज़ाइन करना है उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के। अगर आप एक छोटे शहर में रहते हैं, काम वहाँ पर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, तो आप एक छोटा सा 400-500 स्क्वायर फीट का स्टूडियो भी किराए पे दे सकते हैं। वहाँ आप सुविधाएं डालिए, वहाँ आप जिस भी तरह का काम करते हैं, चाहे वो एडिटिंग से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे आपको कैमरा को रेंट पे देना हो, स्टूडियो के अंदर लेंसेज को रेंट पे देना हो, लैपटॉप्स को, तो यहाँ मुंबई में तो हर चीज़ भाई रेंट पे चली जाती है। तो आप अपने शहर में भी इस कल्चर को डेवलप करिए। आप एज अ एंटरप्रेन्योर आप सोचिए अपने आप को, और आप सोचिए कि आपको फोटोग्राफी से भी पैसा कमाना है, आपको रेंटल से भी पैसा कमाना है, आपको प्रोडक्शन डिज़ाइन से भी पैसा कमाना है, आपको आर्ट डायरेक्शन से भी पैसा कमाना है, आपको जो है अलग अलग तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं फोटोग्राफी के अंदर उनको भी देना आना चाहिए, ताकि आपकी जो इनकम है वो आप अलग अलग सोर्सेज से बना सकें। तो ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था सिर्फ इस बात के लिए कि भाई आप अपने फोटोग्राफी के अंदर ना केवल फोटोशूट पे डिपेंड करें, बल्कि आप अपने एक इस तरह के स्टूडियो भी बिल्ड करने की कोशिश करिए जिससे आप एक रेंटल इनकम जो है वो जनरेट कर सकें। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा एक रेंटल इनकम के लिए, एक रेंटल फोटो स्टूडियो में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सब के लिए। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए www.manishsaxena.com। वहाँ मैंने अपने स्टूडियो का एक पूरा डाला है, पिक्चर्स सब डाली हैं, तो आप देख लीजिए आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। और इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो दोस्तों नीचे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।